गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेट थ्योरी। अब तक मैंने आपको सेट थ्योरी में 8 पार्ट जो है वो भेज चुका हूं। आज आपके पास आने वाला है पार्ट नंबर 9। पिछले सभी पार्ट्स में मैंने आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी 1.1 से लेकर 1.6 तक वो सभी कंप्लीट करवाई थी। उसमें ऑलमोस्ट सारा बेसिक सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ और अब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो इससे रिलेटेड चैप्टर सेट से रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आज मैं आपको शुरू करने वाला हूँ। उसमें कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे समझेंगे। लेकिन इससे पहले जो पिछला पार्ट था उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। तो इससे पिछला वाला जो वीडियो उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें अगर आपने नहीं देखा है, और अगर देख भी लिया है तो भी मेरी राय है कि इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें ताकि मुझे आपको ये समझाने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। और एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऑनलाइन स्टडी में थोड़ी बहुत मुश्किल तो ज़रूर आपको आने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम आपके सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलिए कि हम आपके बिल्कुल पास हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या ऐप के ज़रिए किसी भी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करिए, अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमें बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे पाएँ। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर के स्टडी करें, पूरे जोश के साथ स्टडी करें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप घर पर बैठकर कर रहे हैं, जिस तरह से आप कोचिंग में आकर पढ़ाई करते थे ठीक उसी तरह से आप अपने घर से भी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट्स पार्ट 9। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अगर आपके पास बुक हो तो बहुत ही अच्छा है, आप बुक लेकर के बैठें, मुझे क्वेश्चन नोट नहीं करना पड़ेगा बार बार। फिलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको दो सेट्स गिवन है। फर्स्ट है सेट ए विच इज़ एक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है? एक रियल नंबर है। आर किसको डिनोट करता है? रियल नंबर को। एंड एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो सेट ए गिवन है वो क्या है? सेट ए जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दी एक्स है, और एक्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और किस तरह से होना चाहिए? कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे हम फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं और इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, तो 6 × 2 = 12 और ये भी 12 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक तो आ गई है 2 और एक आ गई है 6। ये 2 और 6 दोनों ही कैसे नंबर है? रियल नंबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 2 एंड 6। हमसे कहा गया है कि सेट A क्या है? एक रियल नंबर है। और किस तरह का रियल नंबर है? जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो ही नंबर हैं 2 एंड 6। इसका मतलब सेट A में सिर्फ दो एलिमेंट हैं 2 एंड 6। अब सेट B जो हमको गिवन है वो क्या है? सेट B है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, सॉरी सेट बी डायरेक्ट हमको दिया गया है, सेट बी है 2, 4, 6, सेट बी हमको गिवन है। सेट सी गिवन है यहाँ पर विच इज़ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। एंड सेट डी हमको गिवन है, सेट डी है जस्ट 6। ठीक है, तो ये चार सेट हमको दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। इसमें हमको बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, कौन सा सेट किसका सबसेट है, सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले पूछूं कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है, तो आप देखिए ए के सारे एलिमेंट 2 एंड 6 बी में हैं, तो यस ए इज सबसेट टू बी, तो ए बी का सबसेट है। अब देखिए क्या ए सी का सबसेट है, तो ए के सभी एलिमेंट सी में है 2 एंड 6, तो यस ए सी का भी सबसेट है, तो ए सबसेट टू सी। उसके बाद देखिए क्या ए डी का सबसेट है, नो, ए में कितने एलिमेंट है 2 एंड 6, जबकि डी में क्या है? सिर्फ 6 है। इट मीन्स ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है, ए
इज नॉट सबसेट टू डी। तो ए के बारे में हो गया। अब बी देख लीजिए, बी क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? तो भाई बी में 2, 4, 6 तीन एलिमेंट हैं और ए में दो ही एलिमेंट हैं, जाहिर सी बात है कि बी इज़ नॉट सबसेट टू ए। क्या बी जो है वो सी का सबसेट है? तो बी के सभी एलिमेंट 2, 4, 6 सी में आ रहे हैं, इट मीन्स यस बी इज सबसेट टू सी। क्या बी डी का सबसेट है? नो, बी जो है वो डी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट डी के पास नहीं हैं। तो बी के बारे में भी बात हो गई। अब हम सी की बात कर लेते हैं। क्या सी जो है वो ए का सबसेट है? तो देखिए सी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और ए में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, जाहिर सी बात है कि सी जो है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता। क्या सी बी का सबसेट है? तो सी बी का सबसेट भी नहीं है, सी के पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 सारे एलिमेंट हैं जबकि बी के पास सिर्फ तीन ही एलिमेंट हैं। तो सी जो है वो बी का भी सबसेट नहीं है। इसी तरह से सी जो है वो डी का भी सबसेट नहीं है। तो सी किसी का भी सबसेट नहीं है। अब रह गया डी, तो डी की बात करें, क्या डी ए का सबसेट है? तो भाई डी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हैं, इट मीन्स यस डी जो है वो ए का सबसेट है। इसी तरह से क्या डी बी का सबसेट है? यस डी बी का भी सबसेट है। क्या डी सी का सबसेट है? यस डी जो है वो सी का भी सबसेट है। तो मैंने सब बता दिया कि कौन सा सेट किसका सबसेट है और किसका सबसेट नहीं है, यानी कि आंसर में आपको दिया जाएगा कि ए बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है और डी ए का सबसेट है, डी बी का सबसेट है और डी सी का सबसेट है। किसका सबसेट नहीं है ये आंसर में नहीं दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें देख करके आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है उसमें लिखा गया है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सेट ए बिलोंग्स टू बी सेट बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। आगे इसी में कहा गया है इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ट्रू है तो प्रूव करिए, अगर फॉल्स है तो मतलब कि एग्जाम्पल दे करके आप समझाइए। तो देखिए भाई एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। और ये सेट ए जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो ले लेते हैं कोई सेट ए, पहले ले लेते हैं सेट ए, मान लीजिए मैंने ले लिया 1, 2 सेट कोई भी ले लेते हैं आप। अब हमसे कहा गया है कि सेट ए जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट बी में। तो सेट बी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसमें सेट ए पूरा बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ, मान लीजिए सेट मैंने ले लिया एक ए बी और एक एलिमेंट जो है वो क्या है 1, 2 दिस। ये क्या चीज़ है? ये है सेट ए, ध्यान दीजिए ये क्या चीज़ है, ये है सेट ए। तो सेट बी में ए है, ये वाला बी है और ये सेट ए है और इसके अलावा कोई एलिमेंट सी है सपोज, ठीक है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, तो आप कहेंगे देखिए ए जो है वो एलिमेंट है किसका? बी का। अगर मैं कहूँ बी तो बी भी एलिमेंट है सेट बी का। और ये जो थर्ड एलिमेंट है सेट बी का वो क्या है? वो तो खुद एक सेट है 1, 2 ये बिलोंग करता है बी में, इसी को हम क्या कहते हैं सेट ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ए जो है बी में बिलोंग करता है। और क्या है? सी, सी बिलोंग कर रहा है सेट बी में। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ए का कोई एलिमेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पर ए में कौन सा एलिमेंट है, ए में है 1 और ए में है 2, तो 1 जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है और 2 भी जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है। लेकिन क्या 1 जो है वो बी में बिलोंग करता है? बी में सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड एलिमेंट है बी, थर्ड एलिमेंट है ये पूरा सेट ए और फोर्थ एलिमेंट है सी। बी में कहीं भी 1 बिलोंग नहीं करता, 1 जो ए में बिलोंग कर रहा है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं 2 देखूँ तो 2 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो 2 जो है वो ए में बिलोंग करता है, लेकिन क्या 2 बी में कहीं बिलोंग कर रहा है? नो। तो इट्स का मतलब ये है कि एक्स जो कि किसका एलिमेंट है? ए का है, और ए जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? बी में बिलोंग कर रहा है। तो फिर ये एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है और उसके लिए ये आपका एग्जांपल है, तो इट इज फॉल्स। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है ए इज सबसेट टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। सेट ए सेट बी का सबसेट है
और ये जो सेट बी है ये सेट सी में बिलोंग करता है, तब ए जो है वो सी में बिलोंग करेगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मुझे तो पता ही चल रहा है, शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। देखिए पहले तो हम दो सेट ले लें ए और बी, और इस तरह से लें कि ए जो है वो बी का सबसेट हो। तो कोई भी आप सिंपल सा सेट ले सकते हैं। सपोज़ ए मैंने ले लिया 1, 2, और सेट बी जो मुझे लेना है वो इस तरह से लेना है कि वो ए का सबसेट हो। इट मींस 1, 2 तो बी में हम लेंगे ही, कुछ और एक आधे एलिमेंट ले लेते हैं। तो सपोज़ मैंने 3 ले लिया, तो अभी क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? यस, यहाँ पर क्या है, ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया है, बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट सी में। तो एक सेट सी इस तरह से अब लीजिए कि सेट बी जो है वो उसमें बिलोंग करे। तो अब सेट सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेट सी सपोज़ मैंने ले लिया है ए, और एक ये जो एलिमेंट जो सेट बी है ये भी क्या है, एलिमेंट है सी का, तो सी में बिलोंग करना चाहिए। तो सी में मुझे सेट बी लेना पड़ेगा, और सेट बी है क्या, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये क्या हो गया, दिस इज सेट बी। तो और एक एलिमेंट और ले लेता हूँ, सपोज सी। तो जो सेट सी है उसमें 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकेंड एलिमेंट है ये, और थर्ड एलिमेंट है सी, यानी सी में 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सेट ए जो है, क्या सेट ए सी में बिलोंग कर रहा है? नो, देखिए यहाँ पर ए जो है वो सी में बिलोंग करता है, और ये वाला जो सेट है 1, 2, 3 ये बिलोंग कर रहा है सी में, और इस सेट को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज सेट बी। ये तो सेट बी है ना, सेट बी सी में बिलोंग करता है, और जो थर्ड एलिमेंट है सी ये भी बिलोंग करता है सेट सी में। इसके अलावा सेट सी में और कोई एलिमेंट है? नो, सेट सी में सिर्फ 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट है ए, सेकेंड एलिमेंट है खुद सेट बी, और थर्ड एलिमेंट है सी। अगर सेट ए जो है वो इसमें बिलोंग करता सी में, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट, ये जो है 1, 2 जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं, एक सेट जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं 1, 2, वो यहाँ बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये थर्ड पार्ट है, और इसमें हमसे कहा गया है कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। तो ये तो ट्रू है, और इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, एग्जांपल लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं, और वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लेकर के देखूं, तो ए बी और सी 3 सेट आपको यहाँ पर लेने हैं, लेकिन वो सेट किस तरह से लेने हैं कि ए बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो। तो सपोज़ मैंने ले लिया ए, ये ले लिया है 1, 2, और बी इस तरह से लेना है कि ए उसका सबसेट बन जाए, तो मैं बी को क्या ले लूँगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो क्या ए बी का सबसेट हो गया? ठीक है, अब आपको सी भी लेना है एक सेट, सी एक ऐसा सेट होना चाहिए जो बी का सबसेट हो, तो क्या आप ले लेंगे, 1, 2, 3, सी ऐसा सेट लेना है कि बी उसका सबसेट हो, 1, 2, 3, 4, तो बी जो है वो सी का सबसेट हो गया। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ए सी का सबसेट होगा? यस, अगर ए बी का सबसेट है इट मींस ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी जो है वो सी का सबसेट है इट मींस बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे, तो इट इम्प्लाइज ए इज सबसेट टू सी। ये तो एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि हाँ ए जो है वो सी का सबसेट होगा, इट मींस ये कैसा है, ट्रू है। इसी को करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप लेट कर लें कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसी सेट ए में। ठीक है, तो अगर एक्स जो है, ये मैंने लेट किया है, एक्स जो है वो क्या है, बिलोंग करता है ए में। भाई एक्स यहाँ पर क्या है, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, एक्स जो है वो सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो लेट एक्स, लिख लेते हैं यहां पर, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है। अब सोचिए, अगर x सेट A में बिलोंग कर रहा है एंड A जो है वो B का सबसेट है, तो A B का सबसेट होने का मतलब A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, तो इसका मतलब x जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, B में तो बिलोंग करेगा ही। यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्योंकि A जो है वो क्या है, सबसेट है B का।
अब आगे अगर x जो है वो b में बिलोंग कर रहा है तो क्या फिर x c में बिलोंग करना चाहिए? यस, क्योंकि b जो है वो c का सबसेट है। इट मीन्स b के सारे एलिमेंट कहाँ होने चाहिए? c में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो फिर x का c में होना तो कंपलसरी हो गया, तो x जो है वो c में बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि b जो है वो सबसेट है c का। तो जितने भी x हैं जो कि b में बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ होने चाहिए? c में होने चाहिए। अब देखिए x आप कहाँ लेकर के चले थे? a में लेकर चले थे। x क्या है? कोई भी एलिमेंट है a का, और वो कहाँ आपको मिल रहा है? c में। तो x अगर a का कोई भी एलिमेंट c में है, यानी कि a के सारे एलिमेंट जो हैं वो अगर c में हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a जो है वो c का सबसेट है। इट इम्प्लाइज a इज सबसेट टू c, प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल है, चाहे आप इस तरीके से करें और चाहे इस तरह से एग्जांपल देकर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जो पिछला वाला पार्ट था उसी का उल्टा है। इसमें कह रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, बी इज़ नॉट सबसेट टू सी, देन ए इज़ नॉट सबसेट टू सी। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा हमेशा नहीं होता। हम ट्रू उस बात को कहते हैं जो ऑलवेज ट्रू हो, जो हमेशा ट्रू हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिया कोई 1, 2। बस आपको देखिए इन बातों का ध्यान रखना है जो आपको गिवन है, बस उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश करिए। अगर आप तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ए इज़ नॉट सबसेट टू बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट टू सी, देन प्रूव ए इज़ नॉट सबसेट टू सी। मतलब हमको क्या कहा जा रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तब हमको बताया गया है कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आप इसे प्रूव करिए, फॉल्स है तो आप इसका एग्जांपल लेकर के दिखाइए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो आप कुछ इस तरह से सेट लीजिए कि ये सारी कंडीशन जो हैं जो गिवन हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। तो हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो मैंने ले लिया सपोज़ ए इज़ 1, 2, और बी मुझे इस तरह से लेना है कि ए जो है वो बी का सबसेट ना हो, बी का सबसेट ना हो, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो। तो मैं ले लेता हूँ सपोज़ ए बी जो ले लूँगा वो 1, 3, 5 ले लूँगा। मैंने 1, 3, 5 लिया, इट मीन्स ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अब बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, बी इस तरह से लेना है कि वो सी का सबसेट ना हो, और आगे दिखाना है कि ए सी का सबसेट नहीं है। तो देखिए मैं ये लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए जो है वो सी का सबसेट हो जाए। तो सी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट सी में हों। तो 1 और 2 मैंने सी में पहले से ही ले लिया, तो अब अगर मैं आगे कोई भी एलिमेंट लूँगा तो ए सी का सबसेट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि बी सी का सबसेट ना हो। तो बी सी का सबसेट ना हो इट मीन्स 3 और 5 इसमें मत लो, या इसमें से एक छोड़ दो। सपोज़ मैंने ले लिया 4, 5, तो आप क्या कहेंगे? क्या बी सी का सबसेट है? नहीं है। देखिए ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, इसके बावजूद ए जो है वो सी का सबसेट है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए कोई भी चीज़ ट्रू तब होती है जब वो ऑलवेज ट्रू हो। अगर मैं एक भी एग्जांपल ऐसा दिखा पाऊँ कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया है, तो इट मीन्स उस स्टेटमेंट को हम फॉल्स ही कहेंगे। ट्रू सिर्फ वही स्टेटमेंट होता है जो हर हाल में ट्रू हो। तो मैंने यहाँ पर इन एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट ए जो है वो सी का सबसेट है। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर बी ए बी का सबसेट ना हो और बी सी का सबसेट ना हो तो फिर ए सी का सबसेट नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। इट मीन्स इस स्टेटमेंट के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि x बिलोंग्स टू a एंड a इज़ नॉट सबसेट टू b, देन x बिलोंग्स टू b। ये फिर एक उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग। हमसे कहा गया है कि x जो है वो a में बिलोंग करता है और b a जो है वो b का सबसेट नहीं है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए x जो है वो a में बिलोंग करता है, तो मैंने ले लिया x, y, z इस तरह से। कोई एलिमेंट x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? a में बिलोंग कर रहा है। और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो b एक ऐसा ले लीजिए जिसमें जिस तरह ऐसा सेट ले लीजिए कि a जो है वो b का सबसेट ना हो। तो मैं ले लेता हूँ x a b। तो क्या a b का सबसेट है? नहीं है। क्या x जो है वो a में बिलोंग करता है? यस बिलोंग करता है। तो क्या x जो है वो b में बिलोंग करता है? यस करता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि x जो है वो a में बिलोंग करे? क्या कोई हम ऐसा भी सबसेट ले सकते थे
कि सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया ए बी और यहाँ पर ले लेता हूँ सी। अगर मैं इस तरह से सिचुएशन ले लूँ, ये कोई सेट ले लूँ, यहाँ पर एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स जो है वो बी में बिलोंग करे, ऐसा क्या ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ऐसे तमाम हज़ारों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जिसमें एक्स जो है वो ए में बिलोंग करेगा, ए बी का सबसेट नहीं होगा, तो एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका लास्ट पार्ट कहा जा रहा है, ए इज़ सबसेट टू बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, बी में होंगे। ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, और अगर एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स जो है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है भाई, ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, तो इसका मतलब तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में होंगे। तो जो चीज़ बी में ना हो वो ए में तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि एक्स डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, और हमको प्रूफ करना है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता है, इट इम्प्लाइज़ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x जो है वो a में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का। ये ट्रू स्टेटमेंट है, और इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं ले सकता हूँ कि मैं इस तरह से लूँ कि a जो है वो b का सबसेट है। तो आप सेट a लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सेट एक बी ले लीजिए, सेट बी जो है वो इस तरह से लेना है कि ए जो है वो बी का सबसेट बन जाए, यानी ए के तो सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 आपको इसमें लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आप एक दो एलिमेंट और ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो सपोज़ मैंने इसमें ले लिया सिर्फ 5, तो क्या ए बी का सबसेट है? यस है। अगर कोई एलिमेंट बी में ना हो, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो बी में है, इसके अलावा मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, सपोज़ मैं 6 की बात करूँ, तो 6 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब 6 बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो ए में कहाँ से बिलोंग करेगा? इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट जो एलिमेंट बी में ना हो वो ए में कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा सकते हैं और इस तरह से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, और इसमें हमको गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन सी। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी कैसे हैं? इक्वल हैं, सेम है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी, ये भी गिवन है। एंड शो दैट बी इज़ इक्वल टू सी। आपको प्रूव करना है कि सेट बी और सेट सी जो हैं वो सेम है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 सेट्स ए बी सी आर सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव करना है कि बी इक्वल्स सी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से करेंगे। तो जो हमको गिवन है पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिवन दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स ए यूनियन सी। तो टेक एन इंटरसेक्शन ऑफ बी इन बोथ दी साइड्स, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लेंगे। टेक एन इंटरसेक्शन ऑफ बी एन बोथ साइड्स, इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी की तरफ भी इधर इंटरसेक्शन लेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ऑफ A union B is equals B intersection of A union C। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। किस तरह से, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज अगर मैं लिखूँ कि X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z, तो जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरह से इसे लेंगे, x इंटरसेक्शन y एंड यूनियन x इंटरसेक्शन z। x का इंटरसेक्शन पहले y से लिया जाएगा और फिर यूनियन x का इंटरसेक्शन z से लिया जाएगा। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूँ 2 × 3 या इस तरह से लूँ a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं क्या करता बोलता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, और इसे किस तरह से वर्क करता है, a मल्टीप्लाई बी
प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ठीक उसी तरह से आप ये समझिए कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और जो यूनियन है वो क्या है, एडिशन है। और ये इस तरह से ओवर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई और फिर यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे दोनों तरफ और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स, राइट साइड में भी यही करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिए, बी और बी में अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो बी इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन। तो बी और बी का अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट बी मिलेगा। और इधर क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, या इसे मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जस्ट बी आ जाएगा, इज इक्वल्स, इसे अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बस इसे ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन मैं किसके साथ कर रहा हूँ, बी के साथ कर रहा हूँ। आपको ध्यान हो, अगर आप वेन डायग्राम में ध्यान देंगे तो अगर मैं ये लेता हूँ सेट ए और ये लेता हूँ सेट बी, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा बनाऊँ इसको, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये क्या है सेट ए और ये क्या है सेट बी, इधर वाला ये ए है, इधर वाला बी है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कहाँ होता है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी यूनियन अगर मैं बी के साथ लूँगा, बी के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट बी मिलेगा। यूनियन का मतलब यूनाइट कर देना, ऐड कर देना, यानी कि सबको कंबाइन कर लेना। तो अगर बी की यूनियन मैं ए इंटरसेक्शन बी से मिल लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट बी मिलेगा। और बी की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम फिर से जो गिवन था इसी को लेकर चलेंगे। पिछली बार मैंने क्या किया था, इंटरसेक्शन लिया था किसका, बी का, इन बोथ दी साइड्स। अब की बार क्या करूंगा, मैं इंटरसेक्शन लूंगा किसका, सी का, किसका, पिछली बार मैंने किसका लिया था, बी का, अब की बार मैं किसका लूंगा, सी का, फिर से सेम टू सेम, इस बार मैं सी का इंटरसेक्शन लूंगा। अगर मैं सी का इंटरसेक्शन लेता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, सी, और यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, सी, और फिर से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और जैसे मैंने इस बार B का इंटरसेक्शन लिया था और B की वैल्यू निकाल दी थी, इस बार मैं C का इंटरसेक्शन लूंगा और C की वैल्यू निकालूंगा, और फिर मैं दिखाऊंगा कि B और C की वैल्यू सेम है। तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, बस आगे डिस्ट्रीब्यूट करके इसकी वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। देखिए, ये B की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर से इसी को लिया है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, जो हमको मुझको गिवन था। और फिर मैंने क्या किया है, दोनों तरफ इसका इंटरसेक्शन लिया है, किसका लिया इंटरसेक्शन लिया है इस बार, सी का, सी का इंटरसेक्शन लिया है इस बार, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, C इंटरसेक्शन C, अगेन ये क्या है, C इंटरसेक्शन A और यूनियन, देखिए C और C का इंटरसेक्शन क्या आएगा, C आएगा, और फिर C की यूनियन A यूनियन C से करें। फिर से मान लीजिए कि ये क्या है, सेट A है और ये क्या है, सेट C, तो A इंटरसेक्शन C ये वाला पार्ट है, ये रहा A इंटरसेक्शन C, और इसकी यूनियन किसके साथ हो रही है, इसकी यूनियन हो रही है C के साथ। तो अगर ये A इंटरसेक्शन C ये है और इसकी यूनियन मैं C से करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ C मिलेगा। इट मीन्स ये जो आया है वो क्या आया, C, और C की वैल्यू इधर किस क्या आ गई है, देखिए ये क्या है, C इंटरसेक्शन A को मैं लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C और यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन B, या इसे कहें B इंटरसेक्शन C। ये किसकी वैल्यू आई है, C की वैल्यू आई है। ध्यान दीजिए, ये B इंटरसेक्शन C है, ये भी B इंटरसेक्शन C है, लेकिन यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन B और यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन C। लेकिन क्वेश्चन में मुझे बताया गया कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो अगर मैं A इंटरसेक्शन C के प्लेस पर यहाँ पर A इंटरसेक्शन B पुट कर दूँ तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो C की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि
सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा, जगह कम है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू मैं कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी इक्वल टू सी। भाई इक्वेशन वन में बी की वैल्यू भी यही आई थी, इक्वेशन वन में बी की वैल्यू भी क्या आई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आई है, और इक्वेशन टू में सी की वैल्यू भी यही आई है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बी इज इक्वल टू सी, प्रूव्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखिए ऑफलाइन स्टडी के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन अभी अभी अगर आपके मन में उठाए तो आप मुझसे नहीं कर सकते, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो आपको बस एक सेकंड लगेगा, आप मुझे फिर से पीछे ले जाएंगे, पाँच मिनट पीछे ले जाएंगे और इस क्वेश्चन को शुरू से देखेंगे, फिर समझ में नहीं आया आप फिर से मुझे पीछे ले जाएंगे। और इसके अलावा अभी आपका मूड है तो अभी आप पढ़ेंगे, दो मिनट बाद मूड है तो दो मिनट आप मुझे पॉज करके चले जाएंगे बाहर घूमने के लिए, मैं यहीं खड़ा रहूँगा चुपचाप, आप लौट के आएंगे मुझे फिर से ऑन कर देंगे। तो ऑनलाइन स्टडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप आधा क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, आधा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, आधा जो है रात को सोने के बाद पढ़ेंगे, ऐसा कुछ होगा इस तरह से, जब आपकी मर्ज़ी होगी तब आप जो है वो ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इनकी निगेटिव चीज़ों को देखें, आप इसकी पॉजिटिव, जो इसमें पॉजिटिव आपको मिल रहा है आप उसको देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए। देखिए आपको अभी जो है क्या करना है, जो भी जिस तरह से भी आपकी स्टडी चल सकती है चलाना है, किसी भी तरीके से आपकी आपको अपनी स्टडी में ब्रेक नहीं लगने देना है। आपको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपके कॉलेज से, जो भी आपके पास लेक्चर पहुंच रहे हैं या हमारे थ्रू जो पहुंच रहे हैं, तो उससे जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं गेन करने की कोशिश करिए। अपने आप का जो है वो मतलब डीमोटिवेट नहीं होने दीजिए, कोई निगेटिव थाट नहीं आने दीजिए, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढिए। और हम बार बार यही कहते हैं कि अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, हम ज़रूर उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होगा प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक्स।